नमस्कार ब्यूटीफुल हमेशा हिंदी चैनल में मैं किरण आपका स्वागत करती हूँ और स्वागत कर रही हूँ अपने वॉशरूम से। जी हाँ, मैं आज आपको बहुत ही सिंपल तरीके से आप अपने बालों को बिना केमिकल के मदद से कैसे वॉश कर सकते हैं वो बताने वाली हूँ, यानी बेसन की मदद से। जी हाँ, बेसन की कटोरी मेरे हाथों में यहीं पर है। आपको आपके बालों के लेंथ के अकॉर्डिंग बेसन ले लेना है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि क्यों बेसन से क्यों धोना है, हम बाल को शैम्पू से कुछ गिरा दिया है मैंने, तो आप सोच रहे होंगे कि बेसन से क्यों धोना है, बाल तो हम लोग नॉर्मली शैम्पू से भी धो सकते हैं, है ना। बात तो आपकी 101% एकदम करेक्ट है कि हाँ, शैम्पू से हम लोग बाल धो सकते हैं, पर शैम्पू में कई बार सल्फेट पैराबीन होता है जो हमारे बालों के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता है, जिसकी वजह से बाल ड्राई, रूखे, सूखे, झड़ने लगना, बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। तो इसीलिए आप कुछ दिनों के लिए, जैसे 2 या 3 महीनों के लिए वगैरह, सिर्फ और सिर्फ बेसन की मदद से भी अपने बालों को धो सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि बेसन की मदद से धोएंगे तो बालों की जो गंदगी है क्या वो साफ हो जाएगी, तो फर्स्ट मैं आपको बता दूँ, देखिए मेनली होता क्या है कि हमारे ये जो बाल है, बालों में यहाँ पर जो ऑयल होता है उसकी वजह से बालों को ऐसा चिपचिपा वाला एक फीलिंग आता है, जिसकी वजह से मेनली हम लोग हमारे बाल धोते हैं। और मेन मकसद क्या होता है बाल धोने का, कि हमारी ये जो स्कैल्प है ये क्लीन हो जाए, है ना। बाल तो आप सिंपल पानी से भी धो लो तो उसके ऊपर जो भी गंदगी है वो आराम से निकल जाती है, बट ये जो स्कैल्प है उसे हमें साफ करना है। तो बेसन जो है उसकी मदद से आप आसानी से धो सकते हैं, आपको सचैज ऐसे बहुत दिक्कत नहीं होगी। एक बार तो आप ट्राई करके देखिए, आप अगर ये शेड्यूल सिर्फ और सिर्फ बेसन से धोने वाला शेड्यूल महीना पर फॉलो करते हैं ना, तो आपको डिफरेंस आपके बालों में खुद दिख कर आएगा। तो सबसे पहले आपको अपने बालों के लेंथ के हिसाब से इतना बेसन लेना है, और यहाँ पर मैंने पानी ले लिया है, आप पीने का पानी भी ले सकते हैं। वैसे यहाँ पर मेरे नलों में फिल्टर लगा हुआ है इसलिए मुझे इतनी दिक्कत नहीं है, पर आप पीने के पानी से भी इसका जो एक पेस्ट हमें बनाना है वो बना सकते हैं। जो पेस्ट आप बनाने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं चाहिए और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं चाहिए, आपको नॉर्मली इसे बस इस तरह से मिक्स करके बनाना है। अगर आपके बालों में कुछ ज़्यादा ही ड्राइनेस है तो आप इसमें थोड़ा सा दही या फिर दूध मिक्स कर सकते हैं, थोड़ा सा, मैं ज़्यादा रिकमेंड नहीं करूँगी। अगर आपके बालों में डैंड्रफ है तो जी हाँ, आप इसमें नींबू का भी जो जूस है वो मिलाकर लगा सकते हैं, जिससे आपका जो डैंड्रफ है वो ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मेरा अच्छा खासा बेसन का जो पेस्ट है वो बनकर रेडी है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। तो इस कंसिस्टेंसी में लेना है और फिर आपको अपने बालों में इस बेसन को लगाना है। अब देखिए शैम्पू से तो आप थोड़ा सा आसानी से धो लेते हैं, इसमें आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। इसमें मेनली ना आपको आपका जो ये स्कैल्प है उस पर ये बेसन का पेस्ट लगाना है, और लगाने के बाद भी आपको कम से कम 5 से 10 मिनट इंतज़ार करना है। अभी इंतज़ार वो इसलिए करना है क्योंकि जिससे ये जो है आपके स्कैल्प का जो ऑयल है, गंदगी है, उसे पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लेगा, क्योंकि बेसन देखिए थोड़ा सा टाइम लेता है चीज़ों को, ऐसे जैसे हम लोग शैम्पू लगाते हैं और 1 से 2 मिनट में ही धो भी देते हैं पानी से, क्योंकि वो शैम्पू है, उसमें होता है डिटर्जेंट जो हमारे बालों से गंदगी बहुत आसानी से निकलता है, पर आपको उसका तो साइड इफ़ेक्ट भी पता है। तो यहाँ पर जब हम लोग कुछ ऐसी चीज़ लगा रहे हैं नेचुरल जिसकी वजह से हम बाल धोने वाले हैं, तो उसे हमें टाइम देना है जिससे वो सारी गंदगी को थोड़ा सा साफ कर ले। अच्छा, आपको ये जो बेसन है सिर्फ और सिर्फ आपके स्कैल्प पर लगाना है, आपको बालों में लगाने की बहुत ज़रूरत नहीं, क्योंकि बालों में से वो बेसन को निकलने में थोड़ा टाइम भी लगेगा। ये जो बेसन है ये स्कैल्प से तो बहुत आसानी से निकल जाता है। सेकंड चीज़ मैं आपको बता दूं कि इस प्रोसेस को आप अपने वॉशरूम में ही करिएगा, क्योंकि थोड़ा सा मैसी जो है वो नीचे हो सकता है फ्लोर, और अगर आप बाथरूम से या वॉशरूम से बाहर करने वाले हैं तो पेपर वगैरह बिछा दीजिएगा, क्योंकि जो बेसन के छिटके हैं वो नीचे गिर ही जाते हैं, तो सफाई की भी जो जिम्मा है आप ही पर आना है, इसलिए पहले से ही आप प्रिकॉशन ले सकते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि बाथरूम में करें, जिससे आप इसे नहाते समय अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। इंटीमेट एरिया को वॉश करने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं एवर 18 का नेचुरल इंटीमेट वॉश। ये इंटीमेट एरिया को काफी क्लीन रखेगा, फ्रेश रखेगा पूरे दिन। ये 100% नेचुरल
एक्टिव्स के साथ आता है। ये सोप, SLS और SLES फ्री है और ये एक्स्ट्रा माइल्ड है, जिसकी वजह से हर स्किन टाइप इसे इस्तेमाल कर सकती है। इसलिए अगर आप चाहे तो इसे रोज़ाना इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आपको कोई भी इंटीमेट वाली परेशानी है जैसे ईचिंग है या फिर बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है इंटीमेट जगह पर, तो इसे आप रेगुलरली इस्तेमाल करें, ये सारी परेशानी आपकी सॉल्व हो जाएगी और आपका जो हाइजीन है इंटीमेट एरिया का वो मेंटेन रहेगा। इसकी परचेस लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आपके बाल जो है बहुत ज़्यादा ड्राई और फ्रीजी है, तो आप ये बेसन वाले पेस्ट से बाल धोने के बाद अपने बालों के नीचे के हिस्से में, यहाँ पर स्कैल्प पर नीचे के हिस्सों में कंडीशनर का इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ, कंडीशनर का। और कंडीशनर अगर आपका सिलिकॉन फ्री हो तो बहुत ही अच्छी बात है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने ये कंडीशनर ले लिया है और जितनी ज़्यादा आपके बालों में फ्रीज है उतना आप कंडीशनर ले, इस तरह से अपने हाथों में फैलाएं और फिर ये जो बालों के नीचे का हिस्सा है वहाँ पर लगा दें और लगभग 1 से 2 मिनट के लिए छोड़ दें। इससे क्या होगा, आपकी स्कैल्प तो क्लीन हो ही गई है पर यहाँ पर जो नीचे के बाल है वो भी बहुत अच्छे से कंडीशनिंग हो जाएंगे। मेरे बाल जो है काफ़ी हद तक ड्राई हो चुके हैं और मैंने सोचा कि अभी मैं आपको दिखा सकती हूँ। तो इस तरह से मैंने अपने बालों को बेसन की मदद से धोया है और काफ़ी आसान सा तरीका है। अगर आप चाहते हैं कि अपने बालों को केमिकल से वगैरह दूर रखें तो बेसन से आप धो सकते हैं। और भी बहुत सारे तरीके हैं बालों को बिना केमिकल से वॉश करने के, अगर आप चाहें तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मैं आपको वो सारे तरीके भी बताऊँ जैसे मैंने आज आपको बेसन का बताया, वैसे ही वो भी बताऊँ। सो अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आया है या थोड़ा भी यूज़फुल लगा है तो डेफिनेटली इसे ज़रूर लाइक करिएगा। और ये याद रखिए कि बेसन आपके बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, इसकी मदद से आपके बाल जो है बहुत ही कम समय में अच्छे घने होने लगते हैं। तो चलिए फिर मिलती हूँ अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।